एक तरफ जहां न्यायधानी बिलासपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सिम्स में आग लगने से 5 बच्चों की मौत हो गई, जिसकी शोक में पूरा शहर डूबा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने नेता को खुश करने के लिए शहर में जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां न्यायधानी बिलासपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सिम्स आगजनी की घटना में 5 बच्चों की मौत के बाद मातम का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर मासूमों की मौत के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेता को खुश करने के लिए शहर शहर में जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। सिम्स अस्पताल के बिजली कंट्रोल पैनल में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग से चिल्ड्रन वार्ड में धुएं भरने से 5 मासूम इस दुनिया को अलविदा कह गए। वहीं इन मासूमों की मौत के जिम्मेदारों को सजा दिलाने और मुआवजे की मांग को लेकर समाज सेविका प्रियंका शुक्ला ने बिलासपुर के देवकी नंदन चौक में धरना दे दिया है। और धरने की खबर सुनते ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने फोन पर प्रियंका से जानकारी लेकर जल्द ही मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष के आगमन में डूबे कार्यकर्ता और समर्थकों ने उन्हें ये अनशन खत्म करने को कहते हुए अनशन स्थल को बैनरों और पोस्टरों से ढक दिया गया है, ताकि मासूम नवजातों के लिए न्याय के लिए प्रियंका के पोस्टरों पर किसी की नज़र ना पड़ पाए और न ही कांग्रेसियों के जश्न में किसी तरह की खलल पड़ सके। बिलासपुर से अजीत मिश्रा की रिपोर्ट, ACN 24।